वहीं नवरात्रि को लेकर शासन के गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, जिसका पालन करवाने के लिए प्रशासन पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ है। जबलपुर में अलग अलग थानों द्वारा दुर्गा समितियों की बैठक लेकर उन्हें गाइडलाइन की जानकारी दी जा रही है। रविवार को हनुमान ताल थाने में क्षेत्र के दुर्गा समितियों के पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बैठक में उन्हें कोविड के चलते प्रशासन की गाइडलाइन से न सिर्फ अवगत कराया बल्कि जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। खासतौर पर पंडालों के साइज, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन, प्रसाद वितरण, भंडारों समेत कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को लेकर जरूरी नियम कायदे बताए। इधर समितियों ने भी पुलिस प्रशासन की सारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का भरोसा दिलाया है। प्रतिमा का पंडाल, प्रतिमा की साइज, पंडाल का साइज, जनता की दूरियां, इन सब मुद्दे पर समिति को समझाई दे दी गई है। सीसीटीवी कैमरा लगाने, व्यवस्था करने, अन्य जो उनके अनुमति की प्रॉब्लम थी उनकी व्यवस्था उनको कुछ थानों से कर दी गई है। उनके जाना आना नहीं पड़ेगा, उन्हें थानों में आवेदन देंगे, वहीं हम अनुमतियाँ दे देंगे। और स्ट्रीट लाइट जो उसकी समस्या थी, 7 बजे बंद होती थी, उसको 6 बजे तक चालू रखवाएंगे।